आपने यहाँ आने से हम सबका आत्मविश्वास बढ़ा है, हम सबका संकल्प मजबूत हुआ है। हम आज यहाँ इसलिए जुटे हैं ताकि हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को पूरी ताकत से यह संदेश दे कि अब बहुत हो चुका है। किसानों, खेत मजदूर और गरीबों के हितों की इतनी बेदर्दी के साथ हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। मोदी सरकार ने जहां एमएसपी को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के पैरोकी तो देखिए, एक तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ, किसान कर्ज से दबे हुए, दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। और सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। आपने बड़े पैमाने पर उस कानून में बदलाव किए हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ। भाजपा का ये दावा है कि मोदी सरकार जो बदलाव ला रही है उससे ग्रामीण विकास, सिंचाई, देश की सुरक्षा, विद्युतीकरण, ज्यादा रोजगार और ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने रेल और केंद्रीय बजट के माध्यम से खाद के अनुदान में कमी कर दी है, जिसकी वजह से खाद की कीमतें भी बढ़ गई है। इन्हीं कारणों से किसान कर्ज के जाल में फंसे हैं। इनकी कटनी और करनी में बड़ा अंतर है, बस इन लोगों के दिल में कुछ और जबान पर कुछ। आज इस रामलीला मैदान से यह संदेश साफ साफ और जोरदार आवाज में जाना चाहिए, किसान की आवाज न दबी है न दबेगी।